खेती का काम उन्होंने 2 साल के प्रशिक्षण से सीखा है। थथोल थथोल कर लेते हैं सर जी, और मतलब हमने वहाँ ट्रेनिंग भी लिए थे, पहले लिए रोसरी में, फिर जाके लिए पौड़ा में, फिर जाके लिए हम सिहोरा में, फिर जाके लिए हम जबलपुर में, तो वहाँ हम लोग सिखाया गया है। तो ऐसे मतलब तुम धंधा करो, सब्जी करो, तो हम सब्जी ऐसे उगा रहे हैं। हम लोग एक समूह बनाए, विकलांग भाई अपने यहाँ बहुत हैं, तो हम लोग समूह बनाए, फिर हम लोग यहाँ परीक्षण के गए, रोसरी गए, पौड़ा गए, सिहोरा गए, जबलपुर गए। जबलपुर में हम लोगों को लौकी के, बरबटी के पौधा बताए गए कि ऐसे ऐसे अपन को लगाना है, और हम वहाँ बूझे कि हमको भिंडी की सब्जी लगाना है। लगाते थे थोड़ा मोड़ा अपने खाने के लिए, लेकिन हम मार्केट नहीं जा पाती थी, थोड़ा मोड़ा जैसे गांव में भाई, तो गांव में बेच लेते थे। तो आप ऐसे टटो टटो के करते हैं और पहचान जाते हैं, फल पहचान जाते हैं, झाल पहचान जाते हैं। इन दृष्टि बाधितों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तरुण संस्कार नाम की एक एनजीओ का अहम रोल रहा है। 2 साल पहले गांव के सभी दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों को जोड़कर एक समूह बनाया गया, और फिर इन्हें जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय से खेती का प्रशिक्षण दिलाया गया। तरुण संस्कार के सदस्य बताते हैं कि उनके एनजीओ का मकसद ग्रामीण इलाकों में दिव्यांगों को स्वरोजगार दिलाना है। देखिए, हम तरुण संस्कार जो जबलपुर की संस्था है, लोकल एजेंसी है, और साइट सेवर्स के सहयोग से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं जो दिव्यांगों के लिए है। और इसका सबसे मूल उद्देश्य है जो दिव्यांग हैं, खासकर जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनको समाज में कैसे समावेशित कर सकें, यही प्रोग्राम का नाम है मध्य प्रदेश सामाजिक समावेशन कार्यक्रम। और आपको बता दूं कि ये पूरे भारतवर्ष में पहली बार इस तरह का कोई एक इनोवेटिव कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि दिव्यांगों को उनके आजीविका के लिए कार्य किया जा रहा है। जाली गांव के दिव्यांगों को देखते हुए पास के गांव बुआ में भी रहने वाले दिव्यांग आज सब्जी उगा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दृष्टि बाधितों को अब बेहतर जिंदगी बिताने की एक नई राह मिल गई है, और उन दिव्यांगों को देखकर अब आसपास के गांव में भी स्वरोजगार की एक उम्मीद की किरण निकलने लगी है। राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर।